आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिक्षा क्षेत्र के रुदौली अंतर्गत बाबा बाजार भवानीपुर में स्थित आवासीय रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में रजत जयंती का समारोह का भव्य कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें मुख्य अतिथि अयोध्या सांसद लल्लू सिंह व अति विशिष्ट अतिथि सदस्य विधानसभा परिषद शिक्षक खंड लखनऊ, सभापति दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उमेश त्रिवेदी तथा विशिष्ट अतिथि श्रीमती नीता अवस्थी, प्रदेशीय महामंत्री उप जिलाधिकारी रुदौली अंशुमान सिंह रहे। आपको बताते चले कि दिन मंगलवार को बाबा बाजार भवानीपुर रुदौली उमापुर संपर्क मार्ग पर स्थित आवासीय रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में रजत जयंती समारोह का भव्य कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें अयोध्या सांसद तथा लखनऊ से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की उपस्थिति हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद अयोध्या लल्लू सिंह ने माँ सरस्वती व बाबू शिवराम सिंह के स्मृति चिन्ह पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती वंदना से हुआ। सरस्वती वंदना के उपरांत बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं व सेवानिवृत्त शिक्षक तथा पत्रकार साथियों को मुख्य अतिथि सांसद अयोध्या, अति विशिष्ट अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं प्रदेशीय महामंत्री के कर कमलों द्वारा पुरस्कार व उपहार का वितरण किया गया, जिसमें साइकिल, दीवार घड़ी, अंगवस्त्र जैसे अन्य उपकरण व वस्त्र शामिल थे। सांसद अयोध्या लल्लू सिंह ने बाबू शिवराम सिंह की जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज के 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर अपनी खुशियां जाहिर की। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जब से विद्यालय की नींव रखी गई तब से मैं इस विद्यालय में आता रहा हूं। कॉलेज की तारीफ करते हुए सांसद ने कहा कि मैं लगातार जनपद अयोध्या के विभिन्न विद्यालय व कॉलेज में जाता रहा हूं, पर आवासीय राम सेवक यादव इंटर कॉलेज में जो यह भव्य कार्यक्रम किया गया है और शिक्षा के साथ साथ शिक्षक को भी सम्मानित करना, यह कार्यक्रम अपना एक अलग पहचान बना रहा है। हर विद्यालय व कॉलेज को इस विद्यालय और इस कॉलेज से सीख लेनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ शिक्षक के प्रति सम्मान अयोध्या क्षेत्र में अपना अलग पहचान बना रहा है, शिक्षा के प्रति एक नई दिशा दे रहा है। सांसद अयोध्या ने आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज की जमकर तारीफ की और बच्चों के साथ साथ शिक्षक तथा पत्रकार साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अमिता सिंह, कॉलेज के प्रबंधक राजेश सिंह ने आए हुए मुख्य अतिथि व अति विशिष्ट अतिथि का धन्यवाद ज्ञापित किया। खबर व न्यूज के प्रति हमेशा जनपद अयोध्या में एक्टिव रहने वाले हमारे जिला ब्यूरो चीफ अयोध्या से अमरनाथ यादव की खास रिपोर्ट। ये बहुत ही उच्च कोट का विद्यालय है इस इलाके का, और इनके राजेश जी के पिताजी हमारे मित्र थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, चलाया था। आज इनका आग्रह था कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में विद्यालय में टॉप किए हैं, आसपास में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उनको सम्मान देना है, तो उस पर मैं आया था। नितांत ये बच्चों का कार्यक्रम था, विद्यालय कार्यक्रम था, तो मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छा विद्यालय है और इन्होंने बच्चों को बहुत दिल से सम्मानित किया और पुरस्कृत किया। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, क्या प्रोत्साहन मिलता है इससे और विद्यालयों को? निश्चित तौर पर जब बच्चे पुरस्कृत होते हैं तो उनका पढ़ने में मन लगता है, आगे कंपटीशन मीट करने में उनको सहायता मिलती है, इसलिए निश्चित तौर पर जब अपने यहाँ नियम बना हुआ है कि अच्छे कार्य के लिए उनको सराहना और बुरे कार्य के लिए दंड, तो अगर बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको सम्मान और पुरस्कृत होना ही चाहिए। बहुत बहुत इस खबर में बस इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।